दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस फ्रेम को, जो गेट का फ्रेम है, इसको हम चेंज करने के लिए आपको बताना चाहते हैं। तो ये जो डोर फ्रेम है, ये यहाँ पे जो स्क्रू टाइट किए होते हैं, यही स्क्रू कसने की जगह टूट जाता है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये देखो, यहाँ इस जगह पे बिल्कुल टूटा हुआ है, इसीलिए पूरा हिल रहा है। जब ये वॉशिंग मशीन चलती है तो पानी इस गेट के नीचे बिल्कुल निकलता रहता है। तो हम इसी डोर फ्रेम को चेंज करेंगे, अब आपको दिखाएंगे। पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये फ्रेम को चेंज कैसे करना है हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे दो स्क्रू लगे होते हैं, गेट खोलते ही देखो इस जगह पे, इन दोनों स्क्रू को हमें खोलना है। खोलना बहुत आसान है, थोड़ा ये हो सकता हो कि टाइट हो, तो आप इसको थोड़ा सा मेहनत करके खोल लें। खोलने के लिए यहाँ पे जो दो स्क्रू है, दोनों स्क्रू को हमें खोलना है। एक नीचे वाला खुल गया, अब ऊपर वाले को खोलना है। तो जब इसको हम खोल लेंगे तो इस गेट को थोड़ा ऊपर की साइड उठा के आगे हमें निकाल लेना है। आगे कैसे निकालना है उसको भी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें लॉक होता है, लॉक फंसा होता है। अब देखो ये स्क्रू निकल गया, अब हम इसको थोड़ा ऊपर की साइड लेंगे, ऊपर साइड लेके आगे की साइड हम खींच लेंगे। देखो ऊपर लिया, अब आगे ये निकल गया। अब हम जो इसके ऊपर कवर है, जहाँ पे ये स्क्रू लगे होते हैं, यानी कि ये कांच की साइड, जो ये कवर होता है, इस कवर पे स्क्रू से हमें खोलना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इतने स्क्रू हैं, इन सारे स्क्रू को हमें खोलना है, क्योंकि ये स्क्रू प्लास्टिक पे ही कसे होते हैं। ये ध्यान रखें कि कसते समय ज़्यादा ना टाइट करें कि इसकी जो खूंटी होती है, खूंटी टूट जाए। तो हमें इसको सही तरह से खोल लेना है। तो ज़्यादातर यहीं से ही टूटता है, जो ये इसका डोर का फ्रेम होता है, ज़्यादातर यहीं से टूट जाता है। यही टूटने के कारण जब हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो देखते हैं गेट के नीचे नीचे पानी निकलता रहता है, काफ़ी ज़्यादा में फैलने लगता है। तो यही टूटने के कारण, जो इसका फ्रेम होता है, फ्रेम टूट जाता है तो ये पानी गिरने लगता है। और या तो गेट सही तरह से ना लगना, गेट सही तरह से बंद नहीं होता है, तो इसी का भी कारण होता है। क्योंकि गेट जो इसका एक सेंटर होता है, सेंटर की साइड में अगर ये लॉक हमारा जो लगा हुआ है, ये लॉक अगर सेंटर में नहीं घुसेगा तो गेट बंद नहीं होगा, तिरछा हो जाएगा। तो इसी कारण से होता है कि अगर यह सही तरह से नहीं रहता तो काम करता। तो चलो अब इसके हम सारे स्क्रू लगभग खोल दिए हैं। अब हम इस जो ऊपर का कवर है, हाँ, इस लॉक को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये आराम से कवर को हम उठा लेते हैं। अब हम ग्लास को, ये देखो यही टूटा हुआ है, यहीं पे जो इसकी खूंटी होती है जिसमें हम स्क्रू को टाइट करते हैं, देखो सब टूट गए हैं। तो अब हम इस कांच को उठाएंगे, जो डोर का नया फ्रेम है उस फ्रेम के ऊपर इसे हमें रखना पड़ेगा। ध्यान रहे कि उसके बगल हम जो डोर का फ्रेम है, फ्रेम को रख लिए हैं। अब हमें इस ग्लास को आराम से उठाना है, ध्यान रहे ग्लास टूटे ना, आराम से उठाना है। और फिर उसी फ्रेम पे, जिस फ्रेम से उठाएं उसके जो नया फ्रेम है उसके ऊपर रखना है। ये देखा, जो एक कटिंग होती है, थोड़ा सा नोब टाइप होता है, वो नोब टाइप फ्रेम में भी नोब टाइप होता है। इस लॉक को उठाना है, हैंडल को यहाँ पे लगा देना है उसके बगल। अब हाँ, इस अब यहाँ पे जो डोर हैंडल है, इसको भी हम पुराने वाले से निकाल लेंगे। निकाल लिया, अब नए वाले पे इसको लगा देंगे। बहुत ही आसान है लगाना, इसमें कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। थोड़ा हाँ, ये इसको इधर खसका देते हैं और इसको भी हम कील को थोड़ा इधर साइड लगा देंगे। लग गया,
ये बैठ गया। अब जो इसके ऊपर एक लोक कवर है, क्योंकि हाँ ये लोक कवर को हमें इसके ऊपर बैठा देना पड़ेगा। फ्रेम तो नीचे वाला है और जो ऊपर वाला जिसको कवर बोलते हैं लगा के टाइट कर देते हैं, यही पीस स्क्रू पहना के हम उसी नीचे वाले फ्रेम में टाइट करते हैं। अब देखिए बिल्कुल कांच उस देखो बिल्कुल यहाँ पे क्लीन कर देते हैं हम, साफ़ सफाई कर देना है आपको। अगर आप खोले हैं तो इसको बढ़िया से क्लीन भी कर दें, बिल्कुल क्लीन हो गया, बैठ गया। अब चलते हैं हम इसके ऊपर जो कवर बैठाते हैं, यानी कि जिस पे हमारा 7-8 स्क्रू लगा होता लगाते हैं, इस कवर को बैठा। अब ये जो गेट का लॉक है, ये लॉक को हमें इस खांचे में जो हमारा डोर फ्रेम का खांचे है उसमें इसको बैठाना है। बैठाना कैसे है मैं आपको पूरा क्लियर दिखाता हूँ। ये हाँ ये देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से इसी में इसको घुसा के बैठा देना है। जब इसमें आसानी से बैठ जाएगा ना तो ये जो गैपिंग है गैपिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, तब मान लेना कि हमारा ये ऊपर का कवर फ्रेम में बिल्कुल बैठ गया है, तब ये सही तरह बैठेगा। लेकिन अभी भी नहीं बैठा हुआ है, इसको एक बार दोबारा हम उठाते हैं। जब ये बैठ जाएगा तो बिल्कुल फिट हो जाए, परफेक्ट हो जाएगा, कहीं भी ये जितना गैप दिख रहा है वो गैप नहीं दिखेगा। देखो हम इसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नीचे गिर जा रहा है। अब हमें इसको थोड़ा उठा के दो हाथ से, अब ये देखो आराम से बैठे, क्योंकि एक हाथ में कैमरा रहता है तो आसानी से नहीं बैठता। तो अब हम इसको आराम से थोड़ा प्रेस करेंगे और थोड़ा सा हम लॉक को हम दबाएंगे कवर जो कवर पे लगा है। हाँ ये देखो बैठ गया ना, बिल्कुल सही हो गया। अब हम इसको जितने इसमें स्क्रू है सारे स्क्रू को हम अब टाइट कर देंगे, यानी कि कस देंगे, बिल्कुल कार्य कर रहा है। अब चलो जितने इसमें हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों आप सबसे एक अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो में सच्चाई हो या हमारी वीडियो आपको सही प्रेरणा मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कॉमेंट जरूर करें, और आपको कैसी वीडियो चाहिए किसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो हमारे चैनल पे जो भी आपको वीडियो दिखाई जाती है बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही दिखाई जाती है, और किसी की भी ऐसी वीडियो नहीं होती जो हम किसी की नकल करके बताएं। हम ये सब स्वयं काम करते हैं उसी पे वीडियो बनाते हैं, अब आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग भी ऐसे काम करें और पैसा कमाएं। तो हम इसमें स्क्रू को सारे लगभग टाइट होने ही वाला है, कस देते हैं। एक और बचा हुआ है, इसको भी हम सही तरह से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों अब ये एक बार रीचेक कर लेते हैं, रीचेक करना बहुत जरूरी हो सकता है कि कहीं भूल भी जाते हैं, तो उतना ही टाइट करना जितना इसकी आवश्यकता है। ज़्यादा टाइट करेंगे इसकी जो नीचे की फ्रेम की खूंटी होती है टूट जाएगी, ऐसा ना करें। तो दोस्तों अगर इस डोर फ्रेम का प्राइस जानना है कितने का हमने मंगाया है तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि यह कितने का मिला है, तो वहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हो। क्योंकि अगर अभी बता देंगे तो ये रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप सही तरह से इसको मूल्य। अब हम इसको लगाएंगे, यही खांचा दोनों होता है, इस पे डालेंगे और नीचे की साइड हमें बैठा देंगे। देखो ये इस साइड से इसको ऐसे लगाना है, दोनों होल में डालना है और फिर नीचे की साइड बैठा देना है। बैठ गया, अब हम यहाँ पे जो दो स्क्रू लगे थे उन दोनों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे, सही तरह से कस देंगे।
तो हम बात कर रहे थे कि इसकी प्राइस की, तो प्राइस कहीं कम ज़्यादा होता रहता है, तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आप यह जो डूर का फ्रेम है कितने रुपए का आया था, कितने रुपए के हम ले आए हैं, तो हम वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका अगर यहाँ पे हम डालेंगे तो ये घटता बढ़ता रहता प्राइस, तो सही तरह से नहीं मान लिया जा सकता, तो हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। जब इसका रेट बढ़ेगा तो फिर हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बिल्कुल कस गया है, टाइट कर देते हैं। अब इसको हम एक बार चला के चेक भी कर लेंगे, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्या पानी अब भी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो चलो दोस्तों अब हम वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं और एक बार इसको चला के पानी चेक कर लेते हैं कि लीकेज तो नहीं है या कहीं गिर तो नहीं रहा है। ये पुराना वाला था डोर फ्रेम, देखो सब टूट फूट जाते हैं। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट कर दिए हैं, वॉशिंग मशीन पानी लेना शुरू कर देगी। यहीं से पानी गिरता था, अब यहाँ से पानी नहीं गिरेगा। तो बिल्कुल गेट हमारा सही तरह से बैठ गया है, देखिए वॉशिंग मशीन में चालू हो गई है, पानी आना शुरू हो गया है। और कहीं भी जब वॉशिंग मशीन चलती है तो कहीं भी पानी नहीं बिखेर रहा है, सही तरह से वॉशिंग मशीन काम कर रही है, और जो इसमें लीकेज वगैरह होता तो वो लीकेज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी सी वीडियो लाते रहते हैं, तो अगर हमारी वीडियो पसंद हो, सच्चाई हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका दिन मंगलमय हो।